बोले भाइयों बहनों, ये नेता लोग हैं ना, एक दिन देश को बेच देंगे। देखो जब 26 मई 2014 को नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने तो सबकी उम्मीद थी, इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो वो आ गए। 2014 में हमारे देश पर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ था। सितंबर 2023 में यही कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 150 लाख करोड़ और ज्यादा कर्जा बढ़ गया। और ये कर्जा किससे वसूला जाएगा? क्या ये नेता लोग गड्ढे खोद के खून पसीना बहा के चुकाएंगे इसको? नहीं, हम ही लोगों से वसूल करेंगे। वो चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाला हो, हम ही से वसूल करना है और कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री आता है योजनाओं को बदल देता है, नाम बदल देता है, कोई क्या करता है। अभी आयुष्मान बनने जा रहा है, कितनी कमाई हो जाएगी, कितना पैसा सरकार हमसे खींच लेगी, समझो 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 कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी हमारे हित में है आने वाले चुनाव के लिए, समझो। मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मानवता से हमदर्दी है कि हम लोगों को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हमें कर्जी बना दे जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों से मैं समायाचना चाहूंगा।